बिसम रहीम व्यूज़ हम अपने लास्ट लेक्चर में टिपोलॉजी की डेफिनेशन कर चुके हैं ये एग्जांपल नंबर वन है जिसमें एक्स एक नॉन एम सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई और इसके सबसेट्स की कुछ कलेक्शंस लिखी हुई हैं तो हम ये चेक करते हैं जस्ट आपका चेक करने के लिए कि क्या आपको टपोलॉजी की डेफिनेशन समझ आ गई तो हमने इनको बारी बारी चेक करना है इन कलेक्शनस को कि इनमें से कौन सी टिपोलॉजी है और कौन सी नहीं है अगर कोई टपोलॉजी नहीं है तो फिर हमने वजह भी बतानी है कि किस वजह से ये टपोलॉजी नहीं है ठीक है तो वन बाई वन चलते हैं टा वन जो लिखी हुई है इसमें और एक्स तो पहले से मौजूद है इसका मतलब जो टपोलॉजी का तीसरा एग्जाम था वो तो ऑलरेडी है अब बार बारी बारी चेक करते हैं इसकी और इसकी यूनियन ली जाए तो इसे नहीं आना इसकी इसकी यूनियन ली जाए वो नहीं है ठीक है ना तो एक ही वायशन अगर हो गई तो वहीं पे बात खत्म वाँप होगी तो ये टेपोलॉजी नहीं है इज नॉट बिकॉज ए नहीं ए बी यूनियन ए सी अब जो जो आप ये क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं किस तरह करेंगे ये बराबर किसके हैं ए सी और आप कहेंगे कि ये टा वन में नहीं है ये आर्गूमेंट है अब एक आर्गूमेंट अगर आपको मिल जाए जो कि प्रूव नहीं कर रहा जिसकी वजह से डिसप्रूव हो रहा है तो फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है हो सकता और भी बड़े हों अभी हो सकता है कि और भी चीज़ें मौजूद हों यहाँ पे जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन को फुलफिल ना कर रही लेकिन अब उनको चेक करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट इसको चेक करें क्या ये एथपोलॉजी है नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं है रीजन बताएंगे इसका नहीं, नहीं। एक और इसका यूनियन नहीं है अच्छा एक और भी एक तो ये भी कंडीशन है एक और मुझे भी नजर आ रही थी वो क्या थी भला इंटरसेक्शन किस किस की इन दोनों की नहीं इन दोनों की मौजूद है इंटरसेक्शन इन दोनों की इंटरसेक्शन मौजूद है अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन लूँ तो वो सी डी आएगी और सी डी सेट मौजूद है यहाँ पे तो वो आप वाली बात ही ठीक है कि अगर मैं इसकी और इसकी यूनियन लूँ इंटरसेक्शन है इसकी इसकी और इसकी इंटरसेक्शन फाइव होगी और आप कह रहे थे इसकी उसकी यूनियन ही होगी इसकी और इसकी यूनियन एक्स नहीं है तो मौजूद है इसकी और इसकी यूनियन ए बी सी डी ई वो एक्स बनता है वो तो मौजूद है फिर तलाश करें कोई कोई कंडीशन तलाश करें जो फुलफिल ना कर रही हो इन दोनों की यूनियन लेने से ही आ जाता है इन दोनों की इंटरसेक्शन लेने से फाई आता है इन दोनों की यूनियन लेने से ही आ जाएगा इन दोनों की इंटरसेक्शन लेने से ये आ जाएगा और कुछ मुझे तो लगता है ये टोपोलॉजी है ठीक है चले टा थ्री इसको भी चेक करें तो ये नहीं है। अच्छा जी अब टा थ्री की बात हम कर रहे थे तो ये क्यों नहीं है आप कह रही है, नहीं है और का किस किस का ए बी सी और ए बी डी की इंटरसेक्शन आती है बी जी, वो, वो इसमें नहीं है ए भी आता ए बी सी ए बी डी की इंटरसेक्शन ए और बी और वो इसमें मौजूद नहीं है तो ये आप क्या कहेंगे थपोलॉजी बिकॉज ए बी सी इंटरसेक्शन ए बी डी इज इक्वल टू ए बी डज नॉट बिलोंग टू टाथ थ्री इस वजह से यहपोलॉजी नहीं है नो वट बोट दिस ए सी डी और बी सी डी की इंटरसेक्शन वो सी डी आएगी वो है ए सी डी और बी सी डी की यूनियन वो नहीं है ए सी डी और ए बी सी डी की यूनियन आएगी ए बी सी डी वो नहीं है तो नॉट नॉटपोलॉजी बिकॉज अब हम सिंपली कह देते हैं किस किस की यूनियन ए सी डी

सी और सी की यूनियन और वो सी इसकी और इसकी इंटरसेक्शन ली जाए तो क्या आती है सिर्फ डी नहीं सुनो ना इसकी और इसकी इंटरसेक्शन लेने से सिर्फ डी आता है समझ आ रही इसकी और इसकी यूनियन इंटरसेक्शन लेने से किस किस की इसकी और इसकी तो वो सिर्फ सी आता है वो मौजूद नहीं है हैं? स, चलो, आता है चलो सिर्फ डी जाता है यानी नॉर्थ पॉलोजी बिकॉज सी डी इंटरसेक्शन ए सी डी नहीं ए सी डी नहीं ए बी डी ई इसकी भी ले लीजिए तब भी नहीं इसने फिर मसला है फिर तो वो तो वो तो है उसमें ए बी डी ई जी क्या आएगा ये सिर्फ डी आएगा और वो उसमें मौजूद नहीं है टॉस एक्स में इस वजह से ये टिपोलॉजी नहीं है मेरा ख्याल है अब कुछ आपको टपोलॉजी की डेफिनेशन समझ आ गई है अभी हमने जो बुक के टाइटल पे जो फिगर बनी हुई है उसका टेपोलॉजी के साथ क्या तल्लक है वो भी डिस्कस करना है, लेकिन वो कभी फारग टाइम पे करेंगे उसके लिए खासा टाइम चाहिए ठीक तो डायरेक्ट अब टपोलॉजी की जो डेफिनेशन थी जिसके तीन एग्जियम थे के सब कलेक्ट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सबसे टेपोलॉजी इफ़ द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग टू टॉ, एंड इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑफ टॉ बिलोंग टू टॉ, एंड फाइव एंड एक्स बिलोंग टू टॉ, ये कंडीशन हमने अप्लाई करके देख ली हैं कि जिन, जिन के ऊपर ये कंडीशन पूरी हो रही थी वो टपोलॉजीज हैं और जिन ऊपर नहीं हो रही थी एक भी वो एक भी नहीं हो रही थी तो वो टोपोलॉजी नहीं तो होपफफुल टोपोलॉजी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है अब तो आगे चलते हैं अच्छा जी अब ये एक आ, सेट हमने लिया है ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और मैंने आपसे पूछना कि कोई फोर्ट कॉलेज किताब में नहीं है ये ढूंढ रही हो ना तुम तो ये किताब में नहीं है तो कोई यानी फोर फोर्ट कॉलेज बनाए अब पहले टॉलेजी तुम बनाओ चलो सब सेट नहीं बनाने तुम खुद ही बनाओ मुझे सिर्फ टोपोलॉजी बना दो चार टपॉलॉजी पहली नहीं फाइव और एक्स तो होता ही है इसका क्या नाम है वैसे इंडिस्क्रीट इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी ठीक है ये तो लाजमी होगी चलो बना दी आपने मैंने चार कही थी मैंने ये नहीं कहा था कि इंडिस्क्रीट नहीं बनानी तो आपने बना दी चलें आगे चले जी one, one, ये सारी क्लास मिलके ना बनाए एक एक हाँ जी फाइव हाँ two, जी वन टू चलो जी ये भी टोपोलॉजी है चलो जी Five, तो सारी तुमने नहीं बनानी बनाएगी हाँ जी एक्स वन टू थ्री और वन टू बस क्यों नहीं है नहीं क्यों नहीं है एक मिनट है किसका इंटरसेक्शन नहीं है वन टू थ्री का इंटरसेक्शन इसके साथ है? नहीं है? है इन दोनों का इंटरसेक्शन मौजूद है इसमें दोनों की यूनियन भी मौजूद है तो तुमने कैसे कह दिया नहीं है? जब इन दोनों की यूनियन ली जाएगी तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन ली जाएगी तो ये आ जाएगा अब ये तुमने बना नहीं चौथी टोपोलॉजी चलो जी फाइव वन टू एक्स बहुत अच्छे चलो ठीक है ठीक है ये है क्यों नहीं बताओ था? नहीं नहीं बताना चलो चलो शाबाश बताओ क्यों नहीं है, है? तो सोच समझ के जवाब देता हूँ हेली आपने स्पिंस की स्पेस भी पढ़ ली हुई है क्या होती है ये यही है स्प्रिंस की स्पेस ही जिसमें क्या होता है फाइव एक्स कोई एक सबसेट ये स्पिंस की स्पेस है इस क्वेश्चन में आप बताएं कितनी स्पेंस की स्पेसिस बन सकती हैं सिक्सटी टू शाबश कैसे जी वो आ जाती हैं टू रेस्ट पर ये बनता है ना वन टू थ्री फोर टू रेस्ट पर सिक्स माइनस टू ये माइनस टू क्यों निकालते हैं क्योंकि तो एक एक सबसेट फाइव होता है एक तो सबसेट एक्स एक होता है तो वो निकाल देने होते हैं वो तो हर्ज पॉल में होते हैं तो ये ए, कितनी बनी सिक्सटी फोर माइनस टू सिक्सटी टू अब अगर आपको कहा जाए असाइनमेंट दी जाए कि इसकी सिक्सटी टू स्पेंस की, की स्पेसिस बना के लाएं तो नेक्स्ट लेक्चर में बड़े आराम से बना के ले आएंगे तो मैं चेक करूँगा ठीक है ठीक है आप छोटी बड़ी आराम से गुजर जाएंगी आपकी नहीं ये तो वैसे एक दिन में बन पल... एक दिन का क्यों काम है एक आ... अच्छा जी अब जरा अभी तो आप टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे और थोड़ा सा आपने समझ भी लिया उसको और जो आसान आसान एग्जाम्पल्स थी हमने वो एक्सप्लेन कर ली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आ गया अब एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें उसने सेट डिफ़ाइन किया हुआ ए क्यू ये ए क्यू क्या है एक ओपन इंटरवल है जिसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो रैशनल नंबर है और वो अगर आप और करें तो ये इंक्लूडेड नहीं है ओपन इंटरवल में ये इंक्लूडेड नहीं है नंबर है और एंड uh, पॉइंट उसका जो है इन्फिनिटी दैट स्टार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर रैशनल नंबर क्यू एंड एंड इन्फिनिटी ऑब्वियसली दिज बोथ आर नॉट इनक्लूडेड इन दिस ओपन इंटरवल व्हाट इज ए क्यू समझ आ गई होगी आपको यानी आप ए लिखें तो वो क्या होगा ऑब्वियसली थ्री रेशनल नंबर ही है ना अगर आप ए टू बाई थ्री लिखें तो वो क्या होगा टू बाई थ्री टू टू इंफिनिटी टू बाई थ्री टू इंफिनिटी इसी तरह ए माइनस फाइव बाई सेवन लिखें तो वो क्या होगा माइनस फाइव बाई सेवन टू इन्फिनिटी तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि की नहीं का मतलब क्या था ए क्यू ये है इस तरह के ये सेट्स हैं इनका जो सब्सक्रिप्ट एक क्यू का डाला हुआ है वो डाला हुआ है रैशनल नंबर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर आएंगे ओपन ट्रबल के स्टार्ट में आगे इन्फिनिटी अब वो कहता है कि ये उसने दिया एक कलेक्शन दिया है और भी इसलिए सबसेट्स की आर के सबसेट्स की कलेक्शन है ए क्यूब जो है वो भी आर का सबसेट ही है ए क्यू ओपन इंटरवल है और सारे के सारे ओपन इंटरवल जो हैं वो आर के सबसेट्स होंगे तो ये एज अ सबसेट ऑफ आर हम बात कर रहे हैं ए क्यू सारे के सारे जो हैं वो सबसेट्स ऑफ आर हैं और ये जो कलेक्शन ली गई है इसमें ए क्यू मौजूद है और फाइव मौजूद है और आर मौजूद है तो कोई लगता नहीं है कि ये स्पिस की स्पेस है स्पिंस की स्पेस लगती है लेकिन मसला यह है कि स्पिंस की स्पेस है नहीं एक यू अगर एक कोई फिक्स्ड होता ना एक होता तो फिर तो वो बनती है। ये इसके नीचे वेरिएशन है ये बहुत सारे सेट्स हैं ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई अगर हम इनके मेंबर्स की यूनियन ले लेंगे तो फिर वो देखें क्या आता है अब जरा इसको समझने के लिए कि टपोलॉजी ये क्यों नहीं है हमने शो करना है टपोलॉजी नहीं है अगर हम एक सेट लें ए जो कि यूनियन है ए क्यू सच दैट क्यू बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड क्यू इज ग्रेटर देन अंडर वुड थ्री अंडर थ्री से ग्रेटर रखे हैं हमने रैशनल नंबर्स से ये अगर की यूनियन लें तो क्या सेट है इसके लिए अंडर थ्री की नमेरिकल वैल्यू है क्या जरा अप्रोक्सीमेटली अंडर वो हमारे पास है क्या नाम है इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है। अंडर अब जो हमारे पास जो हमने यहाँ ये जो कलेक्शन ली है जिसकी हम यूनियन लेना चाह रहे हैं ये कौन सी कलेक्शन है वो जरा गौर करें यहाँ जो नंबर्स आएंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे रूट थ्री से बड़े होंगे अंडर रूट थ्री से छोटा कोई नहीं होगा रूट थ्री के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट थ्री इरेशनल नंबर है और हमने रखने हैं रैशनल नंबर्स आप इनकी यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा मुझे रूट थ्री की अमेरिकल वैल्यू बताइए आपने वन पॉइंट सेवन थ्री समथिंग ऑनवर्ड ये आपके पास अंडर थ्री की नोमेरिकल वैल्यू आपने बताई मुझे जो यहाँ जो सेट्स आएंगे इन सेट्स की यून, ये यूनियन किस तरह बन रही है मसलन आप ये लेंगे तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं अगर आप यानी इसका मतलब है कि आप 1.73 से बड़ा जो रैशनल नंबर है वो तो रख ही सकते हैं वो आप क्या रख सकते हैं 1.7 से बड़ा बाई टू भी रख सकते हैं ये क्या आएगा फाइव बाई टू टू इंफिनिटी इसी तरह मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये आएगा सेवन बाई टू टू इंफिनिटी अगर मैं इन दोनों की यूनियन लूं ए फाइव बाई टू यूनियन ये सिर्फ दोनों की यूनियन अगर लूं तो क्या बनेगा फाइव बाई टू इंफिनिटी यूनियन सेवन बाई टू इंफिनिटी क्या बनेगा जी नहीं नहीं दरमियान वाले क्यों आएंगे ये आपका फाइव बाई टू है फर्ज करें ये सेवन बाई टू है तो ये ये इंटरवल बड़ा है ये आ जाएगा सारा जो सबसे बड़ा इंटरवल है वो आ जाएगा समझ आ रही है ये दूसरा तो मैंने दो की ले के लिए लेकिन जो हमारा काम है ना यहाँ पे ये समझने वाला है यहाँ पे जो Q है ना वो अंडर अंडर रूट थ्री से वेरी नेक्स्ट रेस्टल नंबर से शुरू हो रहा है हम में से किसी को नहीं पता कि अंडर रूट थ्री से वेरी रिलैक्स रैशनल नंबर क्या है अगर हमें पता हो तो हम वहां से स्टार्ट करें तो वह नहीं पता लिहाजा इस सेट की जो यूनियन बनेगी हमने देखा कि बड़ा सेट बन रहा है इंफिनिटी तो आएगा ही इधर से सबसे छोटा नंबर आएगा जब यूनियन लेंगे तो इधर से सबसे छोटा नंबर आएगा जैसे आपको नजर आ रहा है

जो रूट थ्री से वेरी नेक्स्ट है उसका हमें पता ही तो फिर हमें क्या कंक्लूड करना पड़ेगा ये आएगा रूट थ्री टू इनफिनिटी। समझ आ गई अब ये जो फॉर्मेट आया है ये वाला, क्या ये टावर को बिलोंग करता है क्यों नहीं करता टा में जो सेट पड़ा हुआ है ना ये ए क्यूब पड़े हुए हैं जो टा में टा यहां आप सिर्फ एक सेट समझा ये एक सेट नहीं था ये ए क्यू बहुत सारे इन्फिनेट ए क्यूज हैं अगर आप इसे सिर्फ एक सेट समझे फिर तो बात ख़त्म होगी फिर तो ये स्पिनस की स्पेस है मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां ये कह देता ना कि जो टा है वो है फाइ और ए फाइ बाई टू और आर मैं सही जरा लिख दूं जरा अगर मैं ये लिखने की बजाय ए क्यों लिखने की बजाए आपको टा ये दे देता फाइ ए फाइ बाई टू आर तो फिर ये स्पिस् की स्पेस होती क्यों क्योंकि इसमें एक ही सेट पड़ा होता अब आपको एक सेट ने लगा एक सेट है लेकिन वो है एक सेट नहीं वो सारे सेट्स सा। हैं तो जब उन मेंबर्स की हम यूनियन लेते हैं क्योंकि वो कंडीशन क्या है अगर किसी ने होना है तो उसके मेंबर्स की एनी नंबर ऑफ मेंबर्स की यूनियन जो है वो उसमें आ जानी चाहिए तो जब हम एनी नंबर ऑफ मेंबर्स की यूनियन लेते हैं तो एक ऐसा सेट आ रहा है जो उसमें मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो क्या होगी टोपोलॉजी नहीं होगी दिस शोज दैट फाइव क्यू आर इज नॉट आपोलॉजी ऑन आर किसी को अगर ये बात ना समझ आई हो सबको समझ आ गई कि ये क्यों टपोलॉजी नहीं है नेक्स्ट देखें जी आप कुछ क्वेश्चन कर रही हैं क्या कह रही है हाँ आप कह रही हैं कि हमने अंडर रोट थ्री क्यों लिया अंडर टू भी ले सकते थे अगर मैं वो लेता तो आपने कहना था हमने ये क्यों लिया अंडर रो थ्री भी ले सकते थे ठीक है ना मैंने अगर अंडर अगर मैंने अंडर टू ले लिया होता तो आप चले ना कहती आप चले ना कहती आपको अंडर टू से मिल ही रहे हैं इधर से इसने बोल पड़ना था जी अंडर रू थ्री क्यों नहीं लिया मसला देखें बात सुने मसला ये है जब आपने किसी चीज़ को डिसप्रूव करना है तो यू नीड जस्ट वन काउंटर एग्जाम्पल अंडर थ्री मैंने क्यों नहीं लिया बहुत सारे लोगों ने अंडर टू लिया होता है तो मैंने कहा जरा उनसे हटके कर लू हम वी नीड जस्ट वन एग्जाम्पल वो अंडर टू से भी मिलती है अंडर कोई भी कोई भी रेशनल नंबर ले लें आप कोई भी रेशनल नंबर ले लें ले, उससे एग्जाम्पल जनरेट हो जाएगी क्यों बोला आप जो भी रेशनल नंबर लेंगे यहां पर जो भी रेशनल नंबर लेंगे वो यहां होगा वो जब यहाँ होगा तो ये जो इंटरवल का फॉर्मेट है वो इससे वायलेट कर जाएगा क्योंकि तो इसमें वो इसमें क्या है रेशनल नंबर आप जब भी कोई भी अंडर कोई भी लें रैशनल नंबर वो ये सारी करके यूनियन लेके कर यहाँ पर वही आ जाएगा और वो क्या कर जाएगा उस एक्चुअल फॉर्मेट से डिफर हो जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी आप कहेंगे ये नहीं है तो देट्स वाई लेकिन सवाल आपका अच्छा है कि अंडर टू क्यों नहीं लिया ये आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर हाँ भी को तुम्हें समझ आई है कि टपोलॉजी इज नॉट सो सिंपल अभी तो पहले दो पेजेज हैं हैं अच्छा मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फोर मेंबर्स टपोलॉजी और टपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ फोर मेंबर्स ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम एक ना रूल डिफाइन करेंगे जिसमें आप फौरी तौर पे उस रूल के तहत फोर मेंबर टपोलॉजीज़ बना सकेंगे फोर मेंबर टपोलॉजी से क्या मराद है कि उस टपोलॉजी में चार मेंबर्स होंगे उसके लिए एक बड़ा एक अभी हम जो रूल डिस्कस करने लगे हैं वो आप समझें उस रूल को अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दिया गया हो जिसके फिर फोर मम्बर से मराद क्या है कि उसके कम अज़ कम चार सबसेट बन सकते हो ना तभी फोर मेम्बर टोपोलॉजी बनेगी अगर उसके चार सबसेट्स ही नहीं बन सकते दो तो वो होंगे ही दो तो हर सेट के होते हैं एक एम सेट और एक एक्स तो दो और बने तो तभी फोर मेंबर टोपोलॉजी बन सकेगी तो फिर कोई भी ऐसा नॉन एम सेट जिसके कम अज कम चार मेंबर्स बन सकते हों उसके लिए या उससे ज़्यादा सबसेट बन सकते हों उसके लिए फ़ोर मेंबर टोपोलॉजी जनरेट कैसे की जा सकती है वो ज़रा देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक नॉन एम टी सेट है। और हम ये सपोज कर लेते हैं चार मेंबर की बात करनी है ना दो तो टोपोलॉजी के दो तो परमानेंट मेंबर्स है ना x और फाइव उसके अलावा दो चाहिए हमें तो हम एक A, B, एक एक्स का सबसेट सपोज कर लेते हैं और एक बी एक्स का सबसेट सपोज कर लेते हैं हमें चूंकि चार की सिर्फ बात दो की बात करनी है दो तो पहले से ही है एंड कंसिडर कलेक्शन टा ऑफ दीज फोर मेंबर्स फाइव ए बी और एक्स ठीक होगी ये आ गए चार मेंबर्स अब ए और बी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी एक ए और बी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी के ये हो जाए पहली रिस्ट्रिक्शन तो यह है ना कि ए और बी जो है वो एक्स के प्रॉपर सबसेट्स हों इन में से कोई भी एक्स के बराबर ना हो ठीक है यानी इक्वल ना आए तो फिर तो एक तादाद में कम रह जाएंगे ना वो तो फिर हमें यहां पे जो सिंबल यूज करना है वो ये करना चाहिए प्रॉपर में, में जितने पॉइंट्स हैं उनमें से कम से कम एक पॉइंट कम है ए में और कैपिटल एक्स में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से कम से कम एक पॉइंट कम है बी में ए और बी प्रॉपर होने चाहिए इक्वालिटी का चांस खत्म कर दें ताकि जहाँ नंबर ऑफ सेट जो है चार रहे हैं चार रहें अगर ए का इक्वालिटी का चांस एक्स के साथ रहेगा तो फिर ये तीन हो जाएंगे बी का रहेगा तो वह तीन हो जाएंगे तो हम तो फोर मेंबर्स टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं अच्छा अब हमने क्यों नहीं डिस्कस किया कि थ्री मेंबर्स टोपोलॉजी वो क्यों नहीं डिस्कस की हमने वो, तो वो तो होती है स्पिनस की स्पेस थ्री मेंबर्स टोपोलॉजी जो है वो तो होती है टोपोलॉजी और उसका नाम है स्पिंस की टपोलॉजी तो चौथा जो आया है तो अब देखना है कि क्या कंडीशन समझ आ रही है ना अगर आप इनमें से तीन होते हैं तो वो तो होती है इंटरसेक्शन है तब भी मौजूद होगी यूनियन लेंगे तब भी मौजूद होती है तो दो और आ जाए तो फिर क्या यानी चार बन जाए तो क्या अब देखें ये टोपोलॉजी है अगर ये टोपोलॉजी है टा इज टोपोलॉजी देन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो टाव को बिलोंग करना चाहिए ठीक है ए इंटरसेक्शन बी लाजमी टाओ को बिलोंग करना चाहिए दूसरी बात क्या है अगर ये टॉ को बिलोंग करता है तो केस वन जनरेट होगा या तो ए इंटरसेक्शन बी जो है नजर नहीं ना आ रहा इसमें इनमें नजर नहीं ना आ रहा तो या तो ए इंटरसेक्शन बी फाइव के बराबर है हम यही यही कर लेते हैं अभी केस वन ये कर लेते हैं ए देखें ए इंटरसेक्शन भी लाजमी तौर पे टा में होना चाहिए नज़र नहीं आ रहा नज़र नहीं आ रहा तो या फिर ये है या ये है या ये है या ये है केसेस देखते हैं ना वन बाय वन करते हैं अगर ये हो फिर क्या होगा अगर ए और ए इंटरसेक्शन बी फाइव हो तो बाद ही खत्म होगी बस यानी दैन क्या हो जाएगा ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स ये तो केस टू केस वन वैलिड ए इंटरसेक्शन बी फाइव हो तो मैं कोई इतराज नहीं ठीक है ना टोपोलॉजी बने ही बने फिर क्योंकि हम चाहते थे कि इंटरसेक्शन बी उसमें मौजूद हो तो मोटोबोलॉजी बने ही बने वो उसमें होगी यूनियन की तो बात भी बाद में करेंगे आगे चलते हैं अगर केस टू लिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव के बराबर नहीं है ठीक है देन क्या होगा देन ए इंटरसेक्शन बी क्या एक्स के बराबर हो सकता है कैसे कैसे था 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 था। ए में भी एक कम एक कम है बी में भी एक, भी एक, एक कम है और वो दोनों सेम भी नहीं है ना समझ आइए वो सेम तो है नहीं सेम होते तो फिर वो तीन रह जाते अगर सेम होते तो तीन रह जाते तो चार रखने हैं इसका मतलब सेम नहीं है सेम नहीं है तो इसमें भी एक एक्स का एलिमेंट कम है इसमें भी एक कम है इंटरसेक्शन एने से और कम हो जाने हैं सेम नहीं है ना तो ये एक्स के बराबर तो हो ही नहीं सकता फिर चांस क्या है चा चांस क्या है या ये ए के बराबर है या ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर और तो पॉसिबिलिटी है ही कोई नहीं अब फाइव वाली तो हमने यहां पे कर ली ना डिस्कस अब अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हो अगर हम ये मान लें इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए देन बताएं जरा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है देन बी ए का यानी अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो ये बी और ये ए तो आ, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है नहीं ए सबसेट होगा के okay? देखो जरा इस सूरत में ए ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है आता आता है आता है बी ये ए ए बड़ा है बी उसका सबसेट है इनकी इंटरसेक्शन एने से यही आना ना तो बात हो रही है ए इंटरसेक्शन बी अगर ए हो तो फिर सिचुएशन ये है फिर सिचुएशन ये है यानी ए जो है वो बी का सबसेट है ए अच्छा इक्वलिटी का चांस तो फिर नहीं है ना इक्वलिटी का चांस तो हम करेंगे ही नहीं इक्वलिटी का चांस जो है वो नंबर ऑफ सेट्स को कम करेगा वो तो करना ही नहीं ना रखने चार हैं ठीक है दूसरा केस इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए ऑबियसली अब दोनों में से एक बनी है ना ठीक है तो इट मीन्स क्या सिचुएशन बनी फाइ सबसे बना ए का ए सबसेट बना बी का और बी सबसेट किसका बनता है एक्स का और फाइव सबसेट बी का बी सबसेट ए का और ए सबसेट एक्स का सेट्स आर टोटली इन ऑर्डर ऑफ इन्क्लूजन या इन्क्लूजन ऑर्डर आर टोटली इन इन्क्लूजन ऑर्डर इंक्लूजन ऑर्डर किससे क्या मराद है एक दूसरे का सबसेट दूसरा तीसरे का सबसेट और तीसरा ये सारे दोनों केसेस देख लें हमें क्या फिर समझ आई कि अब कोई भी नॉन एम सेट है उसके ऊपर फोर मेंबर टिपोलॉजी कैसे बनानी है या तो उसके दो सेट्स ऐसे पकड़ने सबसेट जो डिसजॉइंट है या फिर एक दूसरे का सबसेट हो एक दू एक दूसरे का सबसेट हो ऐसी कंडीशन पकड़ लेंगे तो फोर मेंबर टोपोलॉजी बनती जाएगी समझ नहीं आई नॉन एम टी सेट एक्स दिया हुआ आपने इसके ऊपर फोर मेंबर टोपोलॉजी बनानी है तो आप इसके सबसेट से टोपोलॉजी बनानी है आपने तो सबसेट दो ऐसे पकड़े जो डिस तो हमने देखा कि वो लाजमी टोपोलॉजी बनती है और अगर हम ऐसे पकड़ लें जो डिश नहीं ओवरलैपिंग है तो फिर ओवरलैपिंग ऐसा होना चाहिए कि ए, एक सेट मुकम्मल तौर पे दूसरे का सबसेट हो एग्जाम्पल करें कोई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक काफ़ी है फोर मेंबर टेपोलॉजी जब मैं आपके लिए फोर मेंबर टेपोलॉजी एक बना देता हूं फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड एक्स ये फोर मेंबर टेपोलॉजी बन गई इसको आप एक ही मेंबर समझिएगा अब चेक करें कि है, बनी है कि नहीं बनी डिस है नहीं बनी ये इन दोनों की इंटरसेक्शन और इन दोनों की यूनियन ठीक है आगे अब बाकी और बनाए आप खुद डिसजॉइंट वाली, जी अच्छा ये एक एक चीज़ जो डिस्कस करने वाली हो जो अभी अब तक आपने इसको सोचा नहीं सोचा जी बताएं क्या बताएं शबश 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 नहीं नहीं ये क्या आपने सोचा एक मिनट ज़रा एक एक तो जो करें यहाँ पे कि ये जो हमने लिखा ना डिश ज्वाइंट ए एंड बी और डिश ज्वाइंट सेट्स ये कंडीशन पूरी फुलफिल नहीं करती इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी लगेगा देखें कैसे मैं एक और कलेक्शन लेता हूँ फाइव यही ले लेता हूँ वन टू और थ्री फोर अब बताएं कि यह टोपोलॉजी है वन टू और थ्री फोर लिया टोपोलॉजी नहीं है क्यों नहीं है इनकी यूनियन नहीं है हालांकि कलेक्शन तो मैंने वही लिखी है एक फाइव लिख दिया एक एक्स लिख दिया और दो, दो सेट डाले हैं वो डिस है तो डिसजॉइंट की कंडीशन पूरी नहीं है इसके साथ डिसंट की बजाय आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो हमने डिस्कस कर ली ना यहां पे ये जरा गौर कीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी तो यहां पे डिस्कस कर ली हमने ए यूनियन बी भी तो होनी चाहिए ए यूनियन बी भी तो एक्स को बिलोंग करना चाहिए ए यूनियन बी अब किसके बराबर है इस केस में ए यूनियन बी एक्स के बराबर ए के बराबर नहीं हो सकता हमें चार सेट नजर आ रहे हैं यहाँ पे कौन से चार सेट नजर आ रहे हैं ए यूनियन बी जो है इसको बिलोंग करना चाहिए किसको इसको, इसको बिलोंग करना चाहिए टा को जैसे हमने कहा कि टा टोपोलॉजी है ए इंटरसेक्शन बी टाओ को बिलोंग करना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी टाव को बिलोंग करने का मतलब है या वो फाइव है या वो ए है या वो बी है या वो एक्स है अब फाइव वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन इसी से एक बात पूरी नहीं ना हो जाएगी अभी हम बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी फाइव हो तो चलो ठीक है फाइव नज़र आ रहा है लेकिन ए इंटर ए यूनियन बी जो है वो भी तो टॉक को बिलोंग करनी चाहिए ए यूनियन बी जो है वो फाइव के बराबर तो अब नहीं हो सकती अगर आप लेंगे तो ए और बी दोनों ही एम टी सेट हो जाएंगे ए यूनियन बी ए के बराबर भी नहीं हो सकती क्योंकि वो क्या है? आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी आपके पास फाइव है ए यूनियन बी से आपके पास ए नहीं बनेगा बी के कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी बी के बराबर भी नहीं हो सकता ए यूनियन बी एक्स के बराबर होगा ए यूनियन बी जो है वो लाजमी तौर पे एक्स के बराबर होगा दो कंडीशन दो चीजें साबित होगी ए इंटरसेक्शन बी डिट ए इंटरसेक्शन बी फाइव होने का मतलब है कि A A और B है। और ए यूनियन बी एक्स का मतलब क्या है अब ये मतलब ये हुआ आपको लग रहा आपने पढ़ा होगा अब मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है कैपिटल एक्स की पार्टीशन बना रहे यानी इनकी इंटरसेक्शन फाइव है और इनकी यूनियन एक्स है जैसे इस कमरे की पार्टीशन करनी जाए तो क्या किया जाएगा यहां पे अगर कटन डाल दिया जाए तो बिल्कुल सेपरेट हो गया यानी ये पोर्शन लादा ये लादा कॉमन कोई नहीं है अभी इसको तो कॉमन है कॉमन कोई रीजन नहीं है और अगर यूनियन ले ली जाए तो पूरे का पूरा दोबारा स्टोर हो जाता है तो फोर मेंबर टोपोलॉजी कैसे बनेगी या तो ए और बी पार्टीशन बनाए एक्स की या फिर क्या हो वो टोटली इन ऑर्डर हो इन ऑर्डर इंक्लूजन ऑर्डर में हो यानी ए बी का सबसेट और वो आगे तो सारा हो गई यानी इसका मतलब ये हुआ कि देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स यहां पे क्या हो गया ए बी में एक दा पार्टीशन ऑफ एक्स जी फोर मेंबर्स टपोलॉजी कैसे बनेगी जो दो सबसेट्स आप ए और बी एक्स के ले रहे हैं या तो वो कंप्लीटली ऑर्डर वाइज इंक्लूजन ऑर्डर में हो या फिर वो क्या बन रहे हो पार्टीशन बना रहे हो ये अब मसला क्या है ये पार्टीशन नहीं बना रहे ये टपोलॉजी इसलिए बन गई है कि इन दोनों सेट्स की इंटरसे इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन फाइव है इन दोनों की सेट्स की यूनियन एक्स है ये दोनों सेट्स पार्टीशन बना रहे हैं तो ये क्या हो गया ये टपोलॉजी होगी अब मैं दूसरा केस जो है वो भी चेक कर लूँ स्टार थ्री फाइव वन टू वन टू थ्री ये भी टोपोलॉजी है इसमें दूसरा केस है ये क्या है टोटली इन ऑर्डर ऑफ इंक्लूजन टोटली इन इंक्लूजन ऑर्डर कैसे बोला फाइव इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है और मेंबर भी चार हैं आप अपनी टपोलॉजी वाली कंडीशन भी लगा के देख लें इन दोनों की इंटरसेक्शन ये आएगा इन दोनों की यूनियन ये आएगा तो फोर मेंबर टपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जब भी आपको कहा जाए फोर मेंबर टोपोलॉजी लिखें कैसे लिखेंगे अगर उसने एक कही है, तो फिर तो सीधा सीधा पार्टीशन वाला बना लें यानी पार्टीशन वाले से क्या मुराद है कि आप फाइ रखें ए रखें और ए कॉम्प्लीमेंट रखें तो ये पार्टीशन होगी सीधा सीधा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है ए ए और ए कॉम्प्लीमेंट रखेंगे तो पार्टीशन हो जाएगी ए ए कॉम्प्लीमेंट की आपस में बननी नहीं है इंटरसेक्शन फाइव और यूनियन एक्स ये फोर मेंबर टोपोलॉजी अगर उसने एक कही है फिर तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उसने सेट दिया होगा मैट्रिक्स जो टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं एक्स नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा कहता एक एक फोर मेंबर टोपोलॉजी लिखें बड़े आराम से उसका एक सबसेट पकड़ें उसका कॉम्प्लीमेंट लें और चार मेंबर की टोपोलॉजी बन जाती है लेकिन अगर उसने एक से ज़्यादा कही ये तो फिर एक ही बनेगी ना फिर क्या करना है आपने एक सेट ए पकड़ना है दूसरा सेट बी उसका सुपर सेट पकड़ना है तो वो इंक्लूजन ऑर्डर में हो जाएगी क्लियर होगी बात सबको सबको क्लियर होगी है जिनको नहीं क्लियर होगी वो दोबारा वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं थैंक यू